बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूँ नाहिद। आज हम बनाएंगे कच्चे कीमे के कबाब। अहमदाबाद के फेमस बेरा के कबाब समोसे बहुत ही मशहूर है, तो आज हम बिल्कुल उसी तरह के कबाब बनाएंगे। तो चलिए, कौन से खास मसाले इसमें शामिल किए जाते हैं देख लेते हैं। कच्चे कीमे के कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो मटन का कीमा लिया है। इसे अच्छे से धोकर मैंने इसका सारा पानी निचोड़ लिया है, ताकि जब हम कबाब को फ्राई करें तो ये फ्राई करते टाइम पर टूटे नहीं। तो चलिए इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो नमक डालेंगे हम टेस्ट के मुताबिक। छोटा आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। एक चम्मच भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। आधा नींबू का रस डालेंगे इसमें। दो चम्मच हमने हरी मिर्च को कूट कर लिया है। डेढ़ चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। आप इसकी जगह पर लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हो, और मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। एक चम्मच मैंने कूटा हुआ जीरा लिया है। आधा चम्मच मैंने कुटी हुई काली मिर्चें ली है। दो चम्मच भर के मैंने अखे धनिए को दरदरा कूट कर लिया है। इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है कबाब में, तो जीरा, काली मिर्च और सूखे धनिए को हमें कूट कर लेना है। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आधा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज की प्याज को बारीक चॉप करके लिया है, ये डाल देते हैं। एक चम्मच इसमें मैं देसी घी डाल रही हूँ, इससे कबाब हमारे अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हो इसकी जगह पर। अब सारी चीजों को हम कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी यहाँ पर कुछ चीजें इसमें ऐड करना बाकी है। इसे हम मसाला लगाकर एक घंटे के लिए पहले रख देंगे, उसके बाद बाकी की चीजें डालेंगे। तो आपको आगे बताऊंगी मैं कि इसमें और क्या क्या डालना बाकी है। ये झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं, कबाब खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। कीमे के अंदर सारे मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसे एक घंटे के लिए ढककर हम फ्रिज में रख देंगे, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर कीमे में अच्छी तरह से आ जाए। अगर आपके पास टाइम है तो इसे आप 2 से 3 घंटे के लिए भी रख सकते हो। तो इसमें हमने प्याज और नमक भी डाल दिया है, जिसकी वजह से पानी छूट सकता है। तो उस हिसाब से हम 1 घंटे के बाद इसमें आटे को मिक्स करेंगे। तो अभी इसे मैं ढक देती हूँ और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद इसके कबाब बना लेते। कबाब के कीमे को मसाला लगाए 1 घंटा हो चुका है, मैंने इसे फ्रिज में से निकाल लिया है। अब इसमें बाकी के दूसरे मसाले डालेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है और बारीक कटा हुआ पुदीने के पत्ते लिए हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा लिया है हमने, आधी मुट्ठी के बराबर। एक चम्मच मैं इसमें फ्रेश मेथी के पत्ते डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है कबाब में। आपके पास फ्रेश मेथी ना हो तो आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हो, या फिर इन दोनों के बिना भी आप कबाब को बना सकते हो। इसमें थोड़ा सा मेथी का फ्लेवर देने के लिए फ्रेश मेथी के पत्ते डाल रही हूँ मैं। एक बड़ा चम्मच भर के फ्राई प्याज डाल रही हूँ मैं इसमें। ये फ्राई की हुई प्याज जब डालते हैं ना, तो कबाब में जब फ्राई करते हैं ना, तो बढ़िया सा कलर भी आ जाता है और टेस्ट भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब इसमें हम आटा डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप के नाप से 1.5 कप बाजरी का आटा लिया है। जो ओरिजिनल ऑथेंटिक कबाब बनते हैं तो उसमें बाजरी का आटा डाला जाता है, लेकिन अगर आपके पास बाजरी का आटा ना हो तो इसकी जगह पर आप गेहूं का आटा और थोड़ा सा बेसन यानी चने के आटे को भी डाल सकते हो। तो ये जो बाजरी का आटा है, तो आप कोई भी चक्की पर जाओगे ना आटा पिसवाने, तो वहां पर आपको बाजरी का, जवार का आटा, मकई का आटा पिसा हुआ तैयार मिलता है, तो वो आप वहां से ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अभी 1.5 कप लिया है। अभी हम ये आटे को थोड़ा थोड़ा डालकर देखेंगे, जितनी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से डालेंगे। अभी आधा आटा डाल देती हूँ मैं, बहुत ज्यादा भी इसमें हमें आटा नहीं डालना है। चलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथों से। 1 घंटा हमने कीमे के अंदर मसाला लगाया था, तो जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है कबाब में। हमने प्याज पहले से डाली थी ना, तो उसका थोड़ा सा पानी निकलता है, तो उसी में हम मिक्स कर लेते हैं। इसीलिए मैंने पहले से ही इसमें नमक और प्याज डालकर रख दी थी 1 घंटे के लिए, ताकि जो भी प्याज में से पानी निकलेगा उसमें हम आटा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको अगर लगे कि इसमें पानी नहीं है, सूखा सूखा सा हमारा ये कबाब का आटा है, तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच या 2 से 3 चम्मच पानी जरूरत के मुताबिक डाल सकते हो। बिल्कुल भी पानी की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, और ये आप देख सकते हो कि ये कबाब का आटा हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए, ना बहुत ज्यादा ढीला है ना बहुत ज्यादा ये टाइट है, ये आप देख सकते हो। ये देखिए,
और इसमें मैंने 1.5 कप बाजरी का आटा ली थी, तो मुझे 1.25 कप ही बाजरी के आटे की जरूरत पड़ी है। अगर आपको थोड़ी सी जरूरत ज्यादा पड़े तो आप इसमें आटा और पानी मिक्स करके एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आटा हमारा तैयार हो चुका है, इसके अब कबाब बना लेते हैं। हम कबाब को हम पहले बना बना कर रख लेंगे। तो इस तरह से हम कबाब का शेप देते हुए इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो आप थोड़े छोटे या बड़े अपने हिसाब से इसे बना सकते हो। ये देखिए, इस तरह से गोल गोल कबाब बनाते जाएंगे हम। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सभी कबाब को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है और टोटल 45 के करीब हमारे कबाब बनकर तैयार हुए। तो गैस पर भी मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। चलिए कबाब को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर तेल को हम चेक कर लेते हैं कि तेल बराबर गरम हुआ है कि नहीं। तो थोड़ा सा कबाब का टुकड़ा डालकर देख रही हूँ मैं। ये देखिए, फौरन ही कबाब का टुकड़ा ऊपर आ गया है, इसका मतलब तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है। गैस की फ्लेम अब मीडियम लो करके हम इसे फ्राई करेंगे। तो एक एक कबाब को डालते जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मीडियम से लो फ्लेम पर इसे फ्राई करना है और खुशबू तो ये टाइम पे बहुत ही जबरदस्त आ रही है मुझे, माशाल्लाह। इसमें जो हमने बिरस्ता डाला है ना, उसकी भी खुशबू आ रही है, मेथी की आ रही है, और अब भी से इतनी अच्छी फ्लेवर आ रहा है इसका। तो अहमदाबाद में जो कबाब मिलते हैं ना, तो वो थोड़े से डार्क कलर के होते हैं, तो हमें इसे थोड़ा सा डार्क कलर का फ्राई करना है। और वैसे भी हमने इसमें बाजरी का आटा डाला है, जिसकी वजह से ये थोड़े से डार्क कलर के होते हैं। देखिए, कबाब हमारे फ्राई हो गए, इसे हम निकाल लेते हैं। माशाल्लाह, आप देख सकते हो कि कितने बढ़िया बने हैं। तो इसी तरह से बाकी सारे कबाब को हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, ये भी फ्राई हो चुके हैं, इसे भी निकाल लेती हूँ मैं। और इसी तरह से बाकी सारे कबाब को फ्राई करके हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए, मैं तोड़कर भी बता देती हूँ आपको कि अंदर से भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये देखिए, अभी गरम है, अंदर से भी कीमा हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब आप भी अहमदाबाद के मशहूर कबाब को घर पर बनाकर देखें और रमजान में अपने घर वालों को बनाकर जरूर खिलाएं। और अगर आपको मेरी आज की कबाब की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।